दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर अब थम गया है, चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है और अब एक दिन यानी कि कल का दिन 4 अक्टूबर का दिन मतदाताओं के लिए चिंतन का दिन होगा, मंथन का दिन होगा, मनन का दिन होगा कि हरियाणा में अब सरकार किसकी, हरियाणा की जनता, हरियाणा के मतदाता किसको चुनेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रमुख रूप से उस मुद्दे पर हूं जिन पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे मुद्दे जिन पर कि हरियाणा की जनता, खासकर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, कांग्रेस के लिए हो और या फिर अन्य विपक्षी पार्टियों के लिए, हरियाणा की जनता का मूड क्या बन रहा है, हरियाणा की जनता के लिए मुद्दे क्या है। अगर बात करें तो चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो समानांतर क्षेत्र के अंदर नौकरियों की, पेंशन की, तमाम सामाजिक मुद्दे हों, ये सभी मुद्दे तो हैं, लेकिन प्रमुख तीन वो मुद्दे मैं आपको बताने चला हूं जिस पर आपसे चर्चा करूंगा, जिन पर पूरा हरियाणा का विधानसभा चुनाव चला, जिस पर आप ये कहें कि हरियाणा की मतदाताओं ने, हरियाणा की जनता ने जिस पर मूड बनाया कि आखिर करना क्या है। अगर मैं आपको बताऊं तो इस विधानसभा चुनाव के अंदर जवान, किसान और पहलवान, ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने हर आम और खास को प्रभावित किया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों। दोनों पार्टियों के नेताओं ने ही इस मुद्दों को बनाया भी सही। अगर मैं आपसे बात जवान की करता हूं तो जवान के अंदर वो तमाम यूथ आ जाता है जो देखता है सरकारों की तरफ आशा भरी दृष्टि से कि आखिर सरकारों का नजरिया क्या होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी बात यह करती है कि उन्होंने अपनी सरकार के अंदर बिना पर्ची और बिना खर्ची की नौकरी की, बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां दी, अगर सरकार ये कहती है कि उन्होंने बिना क्षेत्रवाद, बिना इलाकावाद, बिना जातिवाद, बिना भाई भतीजावाद का भेदभाव की नौकरियां दी, तो उसके बाद में हरियाणा के युवा के लिए फिर बात ये भी आ जाती है कि आखिर नौकरियां कितनी दी। हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी का आलम रहा, जिसके अंदर की सरकारी एजेंसीज ने भी हरियाणा को बेरोजगारी के मुद्दे पर उस जो सेंसेक्स बनता है, जो उसके आंकड़े बनते हैं, उसमें कहीं यहां जाकर टिका दिया जिसपे कि सरकार की जवाबदेही ना बन पाए। अगर आगे बात आ जाती है तो फिर जवान के अंदर पुलिस के जवान भी होते हैं और फौज के जवान भी होते हैं। अगर बात आ जाती है जवानों पर तो फिर अग्निवीर का मुद्दा भी सामने आता है हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा ऐसा प्रदेश है भले ही जिसकी आबादी तो देश के अंदर पूरे देश की जो आबादी का लगभग 2.5-3% रहे, लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात आपसे करूं तो सेनाओं के अंदर हरियाणा की भागीदारी लगभग 7-8% होती है। अगर मैं आपसे बात करूं तो फिर हरियाणा के जवानों की, क्योंकि जवान ही खिलाड़ी होते हैं, उसके अंदर जब पदक लाने की बात आती है तो फिर हरियाणा, अगले पहलवानों वाले इशू में बात करूंगा वैसे ज्यादा तो, लेकिन अगर पदक लाने की बात आती है तो फिर हरियाणा के जवान ही खेलों में हिस्सा लेते हुए देश का मस्तक ऊंचा करते हैं। इन सबको देखते हुए अगर अग्निवीर की बात आ जाती है तो अग्निवीर योजना को लेकर के युवाओं के अंदर जितना गुस्सा रहा वो लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दिया। आज भले ही अमित शाह जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, आज भले ही देश के प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हालांकि मनोहर लाल का जिक्र करना इस चुनाव के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनका जिक्र नहीं कर रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली में केवल मनोहर लाल दिखाई दिए थे हिसार की रैली के अंदर, और उस रैली के अंदर भी मोदी और मनोहर लाल का इस्तकबाल नहीं हुआ था, एक दूसरे को दोनों नेताओं ने देखा तक नहीं था। खैर, मुद्दे की बात वही आ रही है, जिस मुद्दे पर चल रहे हैं भटक जाएंगे नहीं तो। अगर जवान की बात आ जाती है तो फिर जवान के लिए भले ही वो कह रहे हो कि जब अग्निवीर योजना से रिटायर हो करके यूथ आएगा तो हम उनको नौकरी देंगे और पेंशन वाली नौकरी देंगे, तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर अग्निवीर योजना के बजाय सेना में पक्की भर्ती क्यों नहीं। हरियाणा का अगर आप समझे तो सेना में नौकरी करने वाले जवान के लिए शादी से लेकर घर चलाने तक के अंदर, क्योंकि सबसे प्रमुख तो होता है रोजगार, नौकरी, और इसके साथ साथ मैंने आपको पहले बताया कि हरियाणा के अंदर बड़ी संख्या में यूथ सेना की तरफ देखता है, और अग्निवीर योजना का ही प्रभाव था कि अगर आप देखें तो एक समय वो था जब हरियाणा के गांव या शहर की सड़कों पर आपको दौड़ लगाते हुए और युवा दिखते थे जिसके अंदर कहीं युवाओं में नेगेटिविटी आई।
इस अग्निवीर योजना को लेकर के जहां अगर सरकार ये कहती है, भाजपा सरकार ये कहती है, नायब सिंह सैनी कहते हैं कि हमने और मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची खर्ची की नौकरी दी, तो फिर युवा उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि नौकरी कितनी दी और फिर अग्निवीर जैसी योजनाएं ला करके आपने युवाओं को भ्रमित कर दिया। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि दोनों पार्टियों के लिए मुद्दा जवान है और जवान जो है वो तमाम योजनाओं को, सब क्रियाकलापों को देखते हुए अपना आधा फैसला तो लोकसभा चुनाव में सुना चुका था, लोकसभा चुनाव में बता चुका था यूथ की उसके मन में क्या है। अब वो कितना आगे बढ़ता है, वो रोष बढ़ता है घटता है, उसके अंदर क्या होता है, ये आपको पता चलेगा 8 तारीख को। लेकिन चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा जवान। अगला मुद्दा आता है किसान। आपको ध्यान हो तो 2019 के चुनाव के कुछ समय बाद ही, हरियाणा का चुनाव होने के बाद, किसान आंदोलन का मुद्दा, किसानों का मुद्दा सामने आना शुरू हो गया। लगभग 1 साल से ज्यादा किसान सड़कों पर बैठे रहे। भले ही सरकार कहती हो कि हम 26 फसलों को लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे कल, कृषि प्रधान इलाका है ब्रिज का एरिया, यहां पर वो कह रहे थे कि उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमएसपी पर जो फसलें ली वो 23 से ज्यादा ली। लेकिन किसान सवाल करता है कि साहब एमएसपी का कानून बनाने में क्या दिक्कत थी आपको। जब किसान की बात आती है तो किसान सबसे पहले उस मुद्दे को उठाता है कि वो आपने जो बिना मांगे हुए 3 कृषि कानून दिए थे, अगर उनको वापस ही लेना था तो फिर 750 किसानों की शहादत के बाद क्यों। किसान के अगर आप देखें तो आज यानी कि आज 3 अक्टूबर को हरियाणा और पंजाब के किसानों ने 2-2 घंटे के लिए रेलवे ट्रैक जाम किया और किसान इस मुद्दे को लेकर के कहीं भी सरकार के सामने सरेंडर करने के मूड में कभी दिखाई नहीं दिया। और इस चुनाव में मैं आपको बता दूं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो और या फिर भारतीय जनता पार्टी की पुरानी समर्थक पार्टी दुष्यंत चौटाला के लोग हो, किसान उनको गांवों में घुसने तक नहीं दे रहे थे। इसलिए इस चुनाव के अंदर किसान बड़ा मुद्दा है। किसानों के लिए भले ही तमाम योजनाएं लाए हो, तमाम बातें कहते हो, प्रधानमंत्री कहते हो किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री कहते हो किसान की आमदनी बढ़ाना, लेकिन इन सब का किसानों पर कितना असर पड़ा 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें तो सामने आ चुका है, उसमें तो सामने सब कुछ दिख चुका है कि किसानों के मन में क्या था। लेकिन अब 2024 का जो विधानसभा चुनाव है ये 8 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन ये तय है कि किसान इस चुनाव का बड़ा मुद्दा है। और तीसरी बात आ जाती है पहलवान की। इस समय चुनाव लड़ रही है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया जुलाना से और यह कहते हुए कैंडिडेट बनाया कि उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ था उसको देखते हुए एक तरह से कंपनसेशन है कि उनको सम्मान मिले। आपको ध्यान होगा कि विनेश फोगाट जब स्वर्ण पदक की दौड़ में पिछड़ गई थी, रजत पदक लेने के बाद जब वो 100 ग्राम वजन के चक्कर में उनका खेल से आउट हो गई थी, तो उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था हरियाणा के अंदर कि अगर उनके पास बहुमत होता तो वो विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेज देते। यानी कि एक प्रकार से बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया सरकार के सामने। सबसे प्रमुख बात यह थी, हालांकि विनेश फोगाट के भी इसके अंदर 2 बयान आप देख सकते हैं। विनेश फोगाट का एक बयान ये था जब उन्होंने ये कहा था कि जब वो पेरिस लंदन में रह करके ओलंपिक के अंदर जब उनके साथ मानसिक आघात पहुंच रहा था तो किसी भाजपा के नेता ने संपर्क नहीं किया। और एक बयान, एक सोशल मीडिया पर बयान विनेश फोगाट का वो भी आया जब उन्होंने कहा कि उनसे प्रधानमंत्री कार्यालय के लोगों ने संपर्क किया और उनसे बात करने की कुछ शर्तें रखी, वो शर्तें उन्होंने नहीं मानी, इसलिए उनका सहयोग या उनको वो साथ नहीं मिला सरकार का। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये आ जाती है जो मैं आपको बता रहा था, पहलवान वाला मुद्दा। ब्रजभूषण से लेकर के और संजय सिंह के कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष बनने तक, पहलवान बेटियों द्वारा ब्रजभूषण पर लगाए गए आरोप जो कि अब इस समय अदालत में विचाराधीन है, अगर उससे पहले जाएं तो संदीप सिंह के साथ में उस खिलाड़ी बेटी का मामला जो इस समय अदालत में विचाराधीन है और अदालत ने संदीप सिंह जो उस समय के खेल मंत्री थे उन पर चार्जशीट लगा दी है। इन सबको देखते हुए हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, अगर देखें तो कुछ खिलाड़ियों को, चाहे वो दीपक हुड्डा हो, उनको टिकट देकर के बताने की कोशिश की कि हम भी खिलाड़ियों के साथ हैं, भले ही ये घोषणा करके कि विनेश फोगाट का सम्मान गोल्ड मेडलिस्ट जैसा होगा, हालांकि हुआ नहीं,
नायब सिंह सैनी ने बताने का प्रयास किया कि हमारे दिल में पहलवान खिलाड़ी बेटियों का पूरा सम्मान है, जो हुआ तो नहीं लेकिन ऐलान जरूर किया। एक इंटरव्यू में कह रहे थे नायब सिंह सैनी कि हर चीज का एक समय होता है, वो उनको सम्मान वो मिलेगा, हमने अपनी कलम चला दी। खैर, अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि पहलवानों का जो आंदोलन था, जिसमें कि एक तरफ संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, दूसरी तरफ उसी सड़क पर पहलवान बेटियों को बालों से पकड़कर खींचा जा रहा था, वो हरियाणा की जनता के दिलों में उस अपने दिलो दिमाग पर उस एपिसोड ने जगह बनाई। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि तीसरा पहलवान यानी कि खिलाड़ी, ये भी इस चुनाव का महत्वपूर्ण मुद्दा है। यानी कि इन तीन मुद्दों पर, जवान, पहलवान और किसान, इन तीन मुद्दों पर हरियाणा का चुनाव काफी हद तक प्रभावित करेगा। ये तीन मुद्दे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है, इन तीनों मुद्दों पर जवान, किसान और पहलवान जिस तरफ इनका झुकाव होगा, सरकार बनाते वही दिखाई देंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि हमारी इस बात से, जो हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के अब एक दिन का जब मंथन होगा तो ये बड़े मुद्दे होंगे हरियाणा के अंदर, अगर किसान, जवान, पहलवान पर बात चलती है तो फिर मतदाताओं का रुख किस तरफ होगा? सबसे प्रमुख बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हो पाई, और क्या इन मुद्दों को कांग्रेस ने ज्यादा कैश किया? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।